नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव, आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंजबासोदा के देवाधिदेव नीलकंठेश्वर महादेव की नगरी उदयपुर में कई समय से अवैध तरीके से पत्थर की खदानें संचालित हो रही हैं। वर्तमान समय में करीब एक सैकड़े से अधिक पत्थर की खदानें क्षेत्र भर में चल रही है और अधिकांश खदानें वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, लेकिन अभी तक वन विभाग इन पत्थरों की खदानों पर कार्रवाई करने से बच रहा है और जिसके चलते आए दिन इन खदान संचालकों की वजह से वन क्षेत्र की भूमि का गलत दुरुपयोग हो रहा है। वन रेंजर से लेकर सभी बड़े अधिकारी इन खदान संचालकों पर कार्रवाई करने से परहेज करते हैं, लेकिन जब भी मीडिया इन अधिकारियों से इस समस्या पर सवाल करती है तो ये अधिकारी सिर्फ कार्रवाई करने का आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन आज तक इन खदान संचालकों पर कोई कार्रवाई न तो की गई है। हमारे संवाददाता ने वन विभाग के डीएफओ से पूछा तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई करने के लिए बाहर से वन विभाग का अमला और पुलिस बल की मांग की गई है। पुलिस बल की मांग को लेकर एक पत्र भी लिखा गया है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि वन विभाग के डीएफओ के शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। इसमें लगातार खदानों पर जो है स्थानीय स्टाफ और रणदस्ता के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जब भी ऐसी कोई संज्ञान में आएगा तो सख्त कार्रवाई हम करेंगे।